तस्वीर बीजेपी ने जारी की, एक तस्वीर समाजवादी पार्टी ने जारी की। दोनों तस्वीरों में एक बात कॉमन है और वो है उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी सदाकत खान। एक फोटो में वो अखिलेश यादव के साथ खड़ा है, दूसरी फोटो में वो बीजेपी की पूर्व विधायक नीलम करवारिया के पति उदयभान करवारिया के साथ दिख रहा है। समाजवादी पार्टी अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने के लिए लगातार काम करती रही है। मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो अपराधियों की नर्सरी बनकर के पूरे देश में उभरी है। आप खुद रिसर्च करिए कि उद्भव कहां से है, जहां से उद्भव है वही तो माना जाएगा प्रोडक्ट। तस्वीर किसी के साथ भी हो सकती है। कल जब हम लोग खाना खा रहे थे तो हमारी तस्वीर मुख्यमंत्री जी के साथ थी, और अगर मुख्यमंत्री जी ने अपने केस वापस न लिए होते तो सोचो आप क्या चला रहे होते। तो आज ये सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी आता है फोटो खिंचवाता है। आपने आधी फोटो देखी, लाने वाला भी उसके अंदर फोटो के अंदर है, जिसने मिलाया वो भी फोटो के अंदर है। यूपी में पिक्चर रिलीज करने की ये होड़ इसलिए मची है क्योंकि जो सदाकत खान दोनों तस्वीरों में दिख रहा है उसे प्रयागराज में 24 तारीख को दिन दहाड़े हुई गोलीबारी में उमेश पाल की हत्या के मामले में पकड़ा गया है। सदाकत खान को इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल से पकड़ा गया था। गाजीपुर का 27 साल का सदाकत खान LLE का छात्र है। STF सूत्रों के मुताबिक मुस्लिम हॉस्टल के कमरे में ही उमेश पाल की हत्या की साजिश रची गई। गिरफ्तार सदाकत खान का बाहुबली अतीक अहमद से कनेक्शन जोड़ा जा रहा है ऐसी तस्वीरों के जरिए। सदाकत इस फोटो में प्रयागराज जेल में बंद अतीक के बेटे अली अहमद के साथ दिख रहा है। पूजा जी स्वयं भुक्तभोगी रही, उन्होंने अपने पति पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या का खौफ भी सामने देखा, कई गवाह भी बीच में धराशायी किए गए। तो स्वाभाविक रूप से पूजा पाल जी का डर और भय स्वाभाविक है। अतीक अहमद न बहुजन समाज पार्टी में है, इसमें जेल में है, ऐसे कुख्यात अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। प्रयागराज में गोलीबारी में मारा गया उमेश पाल पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। एक दिन पहले ही यूपी पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी अरबाज को मुठभेड़ में मार गिराया, जो कि वारदात में इस्तेमाल क्रेटा कार को चला रहा था। उमेश पाल शूटआउट केस में आरोपियों के घरों पर अब बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। सूत्रों के मुताबिक इसमें मुख्य आरोपी और पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद की दो प्रॉपर्टियों का पता भी चला है। इनमें से एक प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलेगा जबकि दूसरी प्रॉपर्टी कुर्क की जाएगी। अतीक अहमद ही नहीं, आरोपी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम की संपत्तियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड में नामजद आरोपी बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अतीक की पत्नी ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया, उनके बेटों को पुलिस शुक्रवार की रात घर से उठाकर ले गई, अभी तक उनका कोई पता नहीं चल पाया है।